नमस्कार दोस्तों, सब लोगों को जय। दोस्तों वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टे में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सब लोगों को जोहार। तो दोस्तों आप लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है 583 है दोस्तों। और दोस्तों ये जो फॉर्म है यूपी एमपी बिहार बंगाल मतलब ऑल इंडिया पर से दोस्तों ये फॉर्म को फिलअप किया गया। और दोस्तों आज डेट का बात करें तो डेट आज आप लोग का 13 अगस्त है और आज ही का डेट में दोस्तों उत्पाद सिपाही का सुनवाई होने वाला था केस में दोस्तों। तो आप लोग का सुबह से बहुत ज्यादा मैसेज कॉल वगैरह आ रहा था कि भैया क्या अपडेट है। तो फाइनली दोस्तों एक अपडेट आया दोस्त आया, इसमें आप लोग क्या बताया गया दोस्तों, अभी तक दोस्तों आप लोग कुछ पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ समझ ले। जो झारखंड उत्पाद सिपाही का केस का जो अपडेट है वो आज दोस्तों जो सुनवाई हुआ अमित राव वर्सेस आप लोग का जेएसएससी के बीच में अभी आप लोग लड़ाई चल रहा है आप लोग मालूम है, केस का अपडेट है दोस्तों। तो आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आज आप लोग का जो कोर्ट में वकील वगैरह वहाँ पर दिखाया गया सारा आप लोग जो भी है एक दूसरे का। उसके बाद दोस्तों देखिए आप लोग का जो भी निर्णय लिया गया अभी फाइनल जो डिस्पोजल होने वाला था वो आज नहीं हुआ दोस्तों। फिर से आप लोग कोर्ट में एक रिजर्व डे रखा गया, अब वो कब आएगा कोई डेट आप लोग का फिक्स नहीं किया गया, मतलब कल भी सुना जा सकता है, एक सप्ताह बाद भी आ सकता है, 2 सप्ताह के बाद भी आ सकता है, अभी कोई डेट आप लोग का फिक्स दिया नहीं गया। देखिए अब आप लोग का आगे क्या होता। लेकिन एक चीज है दोस्तों आप लोग का अगर ये भर्ती हो जाता ना बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोग का फंस जाएगा जब तक केस का मैटर अगर क्लियर नहीं होता तो। अब क्यों बता रहे दोस्तों, किसी को मेरा ये वीडियो के माध्यम से डिमोटिवेट करने का कोई मकसद नहीं है। जो फिलहाल अपडेट आया दोस्तों मैं वही अपडेट आप लोग को बता रहा हूँ फिलहाल, और ऐसा नहीं कि मैं खुद से आप लोग का कुछ अपडेट बता रहा हूँ, जो अपडेट आया वही अपडेट आपको बता रहे हैं और आप लोग के लिए अच्छा ही बता रहे हैं। देखिए दोस्तों एक चीज बता रहे हैं, कोई भी अगर वैकेंसी में अगर केस का मैटर रहेगा ना तो पुराना वाला का कोई सक्सेसफुल हो पाएगा ना तो नया वाला का सक्सेसफुल होगा जब तक इसका बात जो है क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक। अब पुराने वाला का देख लीजिए कि उसका एग्जाम का प्रोसेस हो चुका है, उन लोग का मांग है कि हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित कीजिए और हम लोग का दौड़ करवाइए, और नया वाला बच्चा का हम लोग का फॉर्म फिलअप हो चुका है, हम लोग का रनिंग करवाइए। और 2 सालों से दोस्तों कम से कम 18, 19, 20 मतलब 3 से 4 साल दोस्तों आप लोग का इसी तरह से लफड़ा चल ही रहा है इसका केस का मैटर का, समझ लीजिए हम लोग को भी बिल्कुल बुरा लगता है, बट क्या करें, आप लोग का जो भी अपडेट आता है हम लोग का काम है अपडेट देना। तो दोस्तों फिर से आप लोग का रिजर्व डे रखा गया, और दोस्तों आप लोग का कॉमेंट आएगा कि भैया जो 22 अगस्त से जो आप लोग दौड़ शुरू होने वाला क्या वो डेट फिर से बढ़ेगा क्या। तो देखिए अभी मेरा हिसाब से दोस्तों फिर से ये आप लोग का डेट आगे पीछे कुछ हो सकता है मेरा हिसाब से दोस्तों। बाकी देखिए आप लोग का अगर उस डेट पे रह जाता तो सही है, लेकिन अभी जो केस का जो जिस तरह से डिसीजन आ रहा है वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन सरकार का भी कहना कि जितना भी आप लोग भर्ती प्रक्रिया अभी रुका हुआ मैं उसको पूरा करवा के रहूंगा। देखिए आगे ये जब भर्ती अगर करवा भी देता ना तो भी आप लोग दिक्कत हो सकता दोस्तों, अगर आपका रनिंग निकाल लेते हैं फिर आगे जाके फिर ये केस का मैटर में अगर किसी प्रकार से अगर आप इतना मेहनत करके दौड़ निकालते हो तो फिर आप लोग क्या होगा बीच में कि पुराना वाला कैंडिडेट 2018 वाला 2023 का बीच में लड़ाई चलेगा, बीच बीच में दोस्तों हाथ धो लेगा कौन, जेएसएससी हाथ धो लेगा, सरकार हाथ धो के निकल जाएगा, समझ लीजिएगा यही आप लोग का होगा दोस्तों लास्ट में। तो देखिए आप लोग का मेरा हिसाब से अगर ये क्लियर हो जाता तो आप लोग का भी माइंड क्लियर हो जाता है कि भाई इतना मेहनत किए तो कुछ हो सकता है। और इसमें दोस्तों कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें आखिर, इतना स्थिति खराब करके रख दिया भाई। अगर एक वैकेंसी अगर कुछ अपडेट आता है तो कभी खुशी कभी गम इसी तरह से आप लोग का भी बदल कर रखा है जिंदगी दोस्तों, क्या बोल सकते हैं। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अपडेट आए मैं वही बता रहा हूँ कि जो अभी फिर से आप लोग का केस का जो है वो रिजर्व रखा गया, कभी भी अपडेट आ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी कोई डेट में आप लोग का कोई अदला बदलाव नहीं हुआ, अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, डेट की बात करें तो 13 तारीख का हम बात कर रहे हैं कि अभी कोई जो ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है कि 22 तारीख को दौड़ नहीं होगा, ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया। तो आप लोग अभी दौड़ अपना जारी रखिए, ऐसा नहीं कुछ अगर अपडेट आता है तो फिर आप लोग सोच विचार कर लीजिएगा। मेरा हिसाब से देखिए अभी जब तक ये सरकार अपना राय नहीं दे फिर आप मत रुकिएगा, अपना भी जो अभी बताया गया कि 22 तारीख से दौड़े तो वो शेड्यूल पे मेरा हिसाब से हो जाना चाहिए। अब देखिए जो भी होगा लेकिन आपका काम है जो शेड्यूल पे है दोस्तों, जो आपको डेट दिया उस डेट पे आपको कंफर्म होना है। बाकी देखिए कल परसों अगर कभी भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं अपडेट आपको करता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आप लोग का जो आज अपडेट आया ना वो आप लोग का दिखा देते हैं कि फिलहाल क्या अपडेट आया, जो फाइनल डिस्पोजल हुआ उसमें क्या क्या आप लोग का है, क्या हेयरिंग हुआ क्या नहीं हुआ, वो पूरा चार्ट पेपर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ, कितना बार हेयरिंग हुआ और कब से ये केस चल रहा, सारा डिटेल के साथ आपको भी देख लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, वो भी चलिए आप देख लीजिएगा तो आपके लिए भी बेहतर होगा। देखिए मैं जो भी आपको बताता हूँ बिल्कुल क्लियर बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए फिलहाल देखिए अभी आज का जो अपडेट आया ना वो चलिए एक बार आपको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई इतना मेहनत कर रहे हो, खून पसीना बहा रहे हो भाई,
मेरे को भी खुद खराब लगता है, कोई अपना घर से एकेडमी में ज्वाइन किया है, कोई अपना घर छोड़ के सुबह आँख ऐसे ऐसे बंद करके भोरे मॉर्निंग में उठ कर रनिंग के लिए चला जाता, मतलब भाई इतना खराब स्थिति करके रहे। बहुत लोग बोल रहे करे तो क्या करे, रनिंग करे तब पर भी फंसे, इधर केस का अलग मैटर है, इधर हम करे तो क्या करे। लेकिन भाई आपको करना पड़ेगा, अभी जब तक अभी अपडेट खत्म नहीं हुआ तब तक, अभी 22 तारीख का ही अपडेट है दौड़ का, कोई अभी अदला बदला नहीं हुआ, इसलिए समझ लीजिएगा कि अपना दौड़ अपना जारी रखिएगा, और जिस डेट पे बोला गया उसी डेट पे आप फिलहाल अभी दौड़ का भी शेड्यूल है, बाकी देखिए आगे कुछ चेंज होंगे तो बताते हैं। फिलहाल चलिए आप लोगों का जो नोटिस आया आज का वो देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस का तैयारी करो और आपसे अगर बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा तो दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों रिटर्न के साथ साथ दोस्तों फिजिकल का भी यहाँ पर तैयारी होता, तो दोस्तों देर मत कीजिए, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों। पिछले बार भी हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा एसएससी जीडी का, साथ ही साथ दोस्तों इससे पहले जितना भी दिल्ली पुलिस का बेहतर रिजल्ट दिया, तो दोस्तों देर मत कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों हमारे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यही आप लोगों केस का अपडेट है। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या कि सबसे पहले दोस्तों ये जो केस का अपडेट है मैंने खोल लिया इसको ऑफिशियल वेबसाइट में, और ये केस नंबर वगैरह मैंने डाल लिया सब कुछ यहाँ पर, कैप्चा वगैरह सब कुछ डालने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया नीचे पे टोटल जो केस हुआ, केस वगैरह आज का जो अपडेट है, ये जो आप लोग लड़ाई चल रहा है जेएससी वर्सेस आप लोग अमित उड़ाव का बीच में अभी केस चल रहा है 2018 वाला जो कैंडिडेट है। अब यहाँ पर व्यू यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं उसका क्या अपडेट आता है देख लेते हैं। देखिए पूरा ओपन हो चुका, और जैसे ही ओपन हुआ दोस्तों ये आप लोग देख लीजिए, ये जो केस का मैटर है ना ये आप लोग का बहुत पुराना है, 2018 से आप लोग लगभग कब से 2021 से आप लोग केस चल रहा, और ये जो वैकेंसी 2018 का वैकेंसी आप समझ सकते हो। तो दोस्तों अभी फिलहाल देखिए आज जो केस का अपडेट आया वो एक बार आप सुन लीजिए, यहाँ पर आप लोग का कोई डेट आप लोग का नहीं दिया गया है, कोई अभी रिजर्व रखा गया डेट को, और ये अमित बुआ के बीच में चल रहा केस वगैरह नॉट अवेलेबल वगैरह, देखिए कितना दिनों से केस चल रहा भाई समझ सकते हो, आपको तो दिमाग खराब हो जाएगा, आपका पैर का चप्पल का भाई अभी 2 से 4 बार अभी तक घिस के खत्म हो चुका है, लेकिन ये केस खत्म नहीं हुआ समझ सकते हो भाई, समझ लीजिए इतना बड़ा चार्ट पेपर में अभी केस चल रहा है, ये तो इतना बड़ा है समझ सकते हो, इतना इतना आप लोगों का हेयरिंग हुआ लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ इसका, कितना लापरवाही आप भी देख सकते हो, इधर भी आप लोग कितना पर हेयरिंग हो चुका। तो फिलहाल यही अपडेट है दोस्तों, देख लो आज भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ, इतना बड़ा चार्ट पेपर जो आप देख रहे हो ना बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, यही केस का सुनवाई हुआ आज, और अभी रिजर्व रखा गया, आगे कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग बिल्कुल समझ में आ चुका है कि झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल का आप लोग का केस का हेयरिंग क्या हुआ, पूरा डिटेल के साथ मैंने बता दिया, बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगा मैं अपडेट आपको देता रहूंगा, लेकिन फिलहाल आज का अपडेट है दोस्तों वो आप लोगों का रिजर्व रखा गया केस, आप लोगों का कभी भी सुनवाई हो सकता है, ये अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों एक चीज बताते हैं, 22 तारीख को जो आप लोगों का डेट रखा गया ना, 22 तारीख आप लोगों का दौड़ का डेट आप लोगों का, उसी डेट पे अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ डेट पे, अगर आप लोगों का कुछ चेंजिंग होता है केस के वजह से हो सकता है कि ऊपर नीचे अगर डेट अगर कोई होता तो फिर देखा जाएगा क्या अपडेट आता, लेकिन अगर एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों तो 17-18 तक एडमिट कार्ड आ जानना चाहिएगा, अगर नहीं आता तो समझ लीजिए कि पक्का ये जो केस का मैटर के वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। तो फिलहाल एक चीज है कि देखिए अनदर स्टेट का जितना बच्चा है भाई वो लोग का थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत कोई रिजर्वेशन करवा लिया, अगर कुछ अचानक से फिर अपडेट कर दिया जाता तो फिर बच्चा को बहुत ज्यादा परेशानी होगा, एक तो इतना इतना पैसा फंस जाएगा सभी लोगों का, क्योंकि यूपी एमपी बिहार मतलब अनदर वाला बहुत सारा बच्चा भाई फॉर्म को फिलअप किया है। बाकी देखिए बहुत लोगों का खुशी भी होगा एक तरह का कि अगर डेट आगे पीछे होता है, क्योंकि भाई यूपी पुलिस बिहार पुलिस भी बहुत किसी का फंस चुका, लेकिन अगर इस बार दोस्तों केस का कुछ मान लीजिए कि अगर डेट आगे पीछे होता तो फिर एसएससी जीडी वाला बच्चा फंसेगा, फिर देखिए आप लोग का क्या होता, लेकिन मेरा हिसाब से दोस्तों कि जो 22 तारीख का अभी फिलहाल जो शेड्यूल रखा वही शेड्यूल पे दौड़ होगा दोस्तों। बाकी अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का यही अपडेट है कि केस का अपडेट आप लोग का रिजर्व रखा गया, कुछ अभी सुनवाई आप लोग का फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, डिस्पोजल अभी कुछ हुआ नहीं है, दोनों पक्ष का बात रखा गया वहां पर, फाइल वगैरह दोनों पक्ष का रखा गया, जेएससी का अमित उड़ा का भी फाइल रखा गया, और साथ ही साथ दोस्तों जो केस किया था दोस्तों जेएससी जेएससी वर्सेस अमित उड़ा दोनों का फाइल रखा गया। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, कभी भी कुछ अपडेट आ सकता है इसका दोस्तों, अभी कोई डेट कोई फिक्स नहीं दिया। चलिए जो भी अपडेट आएगा सभी लोगों को आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा, सभी लोगों को जय हिंद, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जोहार।